जी, ये देखें, मैंने बेबी बूटी बनाई है। तो ये ऐसी बेबी बूटी है जो आप हम ऊपर से शुरू करते हैं, टॉप टू डाउन, और इसमें थोड़ी सी वूल लगी है, बिल्कुल कुछ ग्राम लगी है। मैं बताऊंगी आपको, हमने ये बहुत इजी बनाई है, इजी बूटी है और बहुत ही अच्छी बनती है, और बिगनर्स जो हैं वो भी इसको बना सकते हैं। चलें शुरू करते हैं हम इसको। हम इसके 34 जो हैं ये हम इससे ये देखें, बाली का डबल नेट है, इससे हम शुरू करेंगे। 34 फंदे डालेंगे 9 नंबर की सिलाई पर। और दो सीधे दो उल्टे इसका बॉर्डर बनाना है। 12 सिलाइयाँ मुकम्मल करते हैं। चलेंगे, मैं मुकम्मल करके आपको मैं दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये मैंने 34 फंदे डाल लिए। अब दो सीधे दो उल्टे हम इसका रिब बनाएंगे। 12 सिलाइयाँ मुकम्मल करनी है, दो सीधे दो उल्टे। चलिए मुकम्मल करके मैं आपको 12 सिलाइयाँ मुकम्मल करके दिखाती हूँ। ये फ्रंट साइड है, राइट साइड है, और ये रॉन्ग साइड है। अब रॉन्ग साइड पे हमने ये जो डोरी है इसके लिए जाली बनानी है। तो दो जो हैं आप दो छोड़ दें, दो स्लिप दो जो हैं बुन लें, धागा पिक दफ करें और दो इकट्ठे बुन जाएं। फिर दो बुन लें, फिर धागा अपनी तरफ करें, दो इकट्ठे बुन लें। ये जाली बनती जा रही है। फिर दो बुन लें, धागा अपनी तरफ करें, दो इकट्ठे बुन लें। ये देखें, आखिर में हमने जाली बना ली है, दो बुन ली है, दो और बुनने हैं। ये देखें, अब आप राइट साइड पे आ जाएं। ये हमारी 14th रो है। अब हमने इसको सारा सीधा सीधा बुन लेना है। ये देखें, ये जाली आ गई, इसके जाली को बुन लें सीधा। सारे खानों को आप सीधा सीधा बुन लें। ये देखें, हमने बुन ली है। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। ये रॉन्ग साइड पे, ये देखिए, हमने 12 जो हैं वो हमें 34 घर डाले। हमने 12 सिलाई इसकी दो सीधे दो उल्टी की बुनी। पीछे बैक साइड पे गए, वहाँ पे हमने जाली बनाई, दो दो छोड़ के और एक धागा अपनी तरफ करके दो इकट्ठे बुन लिए। सर रिपीट करते गए। और अब फिर हमने अब उल्टी तरफ से सिलाई जो है हमने पूरी ये सीधी बुन ली है। जी,
हमने अब एक सीधी रो बनाया, सीधी रो बनाए, ये रॉन्ग साइड है तो सीधी रो बना के आप राइट साइड पे आए, सीधा सीधा बुनना है। अब हमने ये माइकी उधर हो जा रही है, हाँ जी हम आखिर में पहुंच गए हैं। ये हमने सीधी डो पीछे से भी बना ली है, अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। ये राइट साइड हमारी जाली हमारी डल चुकी हुई है, ये देखें जाली, ये देखें जाली डल गई हुई है। अब हमने मार्कर चाहिए हमें दो, अच्छा अब हमने 11 फंदे गिन गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5 and 1 यहाँ मार्कर लगाएं। और फिर एक यहाँ से आखिर में 11 फंदे छोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5 and 1 एक मार्कर यहाँ लगा दें। अब इन 11 फंदों को बुने, ये देखिए एक 11 फंदे ये हमने छोड़ के एक मार्कर लगाया, फिर 11 फंदे यहाँ छोड़ के एक मार्कर लगाया। अब देखें क्या करना है, अब आप इसको सीधा सीधा बुने, ये 11 बुन जाएं आप सीधा, 11 फंदे बुन जाएं, ये मैंने 11 फंदे बुन लिए हैं। अब मार्कर को निकाल दें आप, अब जाली डलेगी हर फंदे पे, ये जो बीच मिडिल के हैं ना इनके हर फंदे पे जाली डलेगी। अब ये बुनना है तो इससे पहले आप धागा पिक अप करें, इसको बुन लें, फिर धागा पिक अप करें, इसको सीधा बुन लें, फिर धागा पिक अप करें, इसको सीधा बुन लें, फिर धागा पिक अप करें, इसको सीधा बुन लें। धागा पिंड करें, इसको सीधा बुन लें, फिर धागा पिंड करें, इसको सीधा बुन लें। हर फंदे को आपसे पहले आपने जाली डालनी है। अब ये जो आखिरी फंदा है ना इसको अब हमने ये जाली बना ली, ये निकाल दिया मार्कर और 3, 3, 6, 3, 9, 10 अब ये जो आखिरी 11वां है ना यहाँ से जो 11वां है आखिरी, इस पे से इससे पहले भी जाली डलेगी एक, तो ये देखें अब फंदे इंक्रीज हो गए हैं। अब इनको बुन जाएं जो आखिरी 11 हैं इनको बुन जाएं आप सीधा सीधा बुन जाएं। अच्छा अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, ये हमारी 16th रो है। आपने सीधे सीधे बुनने हैं, जब जाली आएगी तो उसको कैसे बुनना है मैं आपको तरीका बताऊंगी। हमने जालियां डाली हैं बीच में, 13 जालियां डली हैं तो उनका मैं बताती हूँ। अब यहाँ से वो उनके लूप को हमने सीधा बुनना है और कैसे बुनना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आ गई है जाली, अब आपने इसको यूं करके यूं ये देखें ये सिलाई को, ये सिलाई जो है राइट साइड वाली, आपने इसको यहाँ पे यूं डालना है और इसको नीचे लेके आना है और सीधा इसको बुन जाए।
इसको भी बुन लें सीधा, फिर डाली आ गई है, इसको आपने सीधा बुनना है ऐसे करके, फिर जाली आ गई है, फिर आपने ये सीधा जो है सीधी सिलाई वाली, आपने इसको पीछे ये देखें बैक साइड से आपने इसको लेना है और इसको आपने बुन लेना है ऐसे करके, फिर जाली आ गई है सीधा बुन जाए, जाली आ गई आपने इसको ऐसे बुनना है, इस तरह ज़रा बड़ी जाली सुराख नहीं बनेगा। ये देखें एक सीधा, ये सारे सीधे बुन रहे हैं, मैं जाली को आप ऐसे करके बुने, ऐसे करके दोबारा देखें इसके पीछे के लूप से इसको पीछे से लूप से बनाएं, ये आखिरी जाली होगी। अब ये 11 बाकी बुन जाए, आप सीधा सीधा बनाना है, अब हमारी 17वीं ये आगे रो शुरू हो जाएगी। ये देखें सारी जाली बुन ली हमने, ये देखें ज़्यादा बड़े सुराख नहीं बने, और ये अब हमारे हो गए हैं फंदे, पहले 34 थे तो अब हमारे ये 47 हो गए हैं। अब हमने ये यहाँ पे जालियाँ डालनी 13, फिर हमने यहाँ पीछे बैक साइड में जो थी रॉन्ग साइड हमने सीधा सीधा गार्टर स्टिच बन के आ गया। अब ये सारी बाकी जो है गार्टर स्टिच में बनेगी सॉक जो है। तो अब हमारा ये 17वीं रो है हमारी, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने 14 जो है रोज़ यानी 7 रिजेस जो हैं ये गार्टर स्टिच की बनानी है, और तो ये बनाते हैं। ये पहली रिज बन रही है 7 में से, अगर 7 रिजेस बनाएंगे हम गार्टर स्टिच की तो 14 रोज़ बनेंगी। यहाँ गार्टर स्टिच वो होता है कि जहाँ जो राइट साइड से भी सीधा बनाते हैं और रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बनाते हैं। बॉर्डर ख़त्म होने के बाद हमने सॉक को गार्टर स्टिच में ही बनाया है, और अब आखिर वक्त तक आखिर लाइन तक हम उसको गार्टर स्टिच में ही, आखिरी रो तक गार्टर स्टिच में ही बनाएंगे। चलिए मैं 14 रोज़ यानी 7 रिजेस में गार्टर स्टिच की डाल के दिखाती हूँ आपको। जी ये व्यूअर्स ये देखें, अब हम इस बूटी का सोल बनाएंगे, तो इसके लिए हमने ये करना है कि 4 फंदे गिने, कुल फंदे जो हैं 47 हैं, तो अब 4 फंदे गिने, 1, 2, 3, 4 एक मार्कर लगा दें। अब थोड़ी सी डिक्रीजेज होंगी, उसके बाद आप
बाप 16 फंदे गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 मार्कर लगा दें। फिर बीच में 7 फंदे गिने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मार्कर और लगा दें। अब 16 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 मार्कर और लगा दीजिए। आखिर में 4 बचे हैं, 1 2 3 4। अब देखिए हमने थोड़ी सी डिक्रीजेस करनी है, दो जो हैं 2 फंदे बुन जाए सीधे, और ये 2 जो हैं, 4 थे ना, 2 सीधे बुन लिए, 2 जो ये हैं इनको खट्टा सीधा बुन लें आप। मार्कर को स्लाइड कर लें और ये 16 फंदे हैं इस मार्कर तक ये सीधे सीधे बुन लें आप, इनमें कोई डिक्रीज नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और ये 16, मार्कर आ गया है। मार्कर को स्लाइड कर लें और ये 2 जो पहले हैं ना इनको आप 2 का एक करें, ये जो 7 बीच में छोड़े थे हमने, 2 का एक करें फिर 3 बुन जाए मिडल मिडल में जो है, 1 2 3। फिर जो जो मार्कर से पहले 2 जो हैं ये इनको 2 का एक कर दें, मार्कर को स्लाइड कर दें। अब जो 16 है ना ये आपने बगाया इस मार्कर तक, 16 जो है ये आपने बुन लें आप सीधे सीधे। मार्कर को स्लाइड कर लें और 2 जो हैं ये इनको आप 2 इकट्ठा बुन लें, ये 4 जो थे, 1 2 3 4, इनमें से 2 जो पहले हैं मार्कर के बाद के फौरन बाद, उनको 2 इकट्ठा बुन लें और 2 वैसे बुन लें। अब पलट जाएं, रॉन्ग साइड आ गई हमारी, इनको आपने सारा सारा सीधा बुनना है, आपने सारी सिलाई सीधी बुननी है। अब ये 43 रह गए हैं, हमने 4 डिक्रीज कर दिए, 1 2 3 और 4, 4 डिक्रीज कर दी हैं। तो ये अब ये पहले 47 थे ये, और अब 43 रह गए हैं। अब ये साइज सीधी सिलाई करें, अभी हमने मार्कर उतारने नहीं है, राइट साइड पे हमने दोबारा डिक्रीज करनी है।
ये हमारी रॉन्ग साइड है, हम सारी सिलाई सीधी बुन रहे हैं। ये मार्कर आके इसको स्लाइड कर लें और ये आखिरी ये तीन है ये बुन लें आप। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं और से देखिए ज़रा। अब ये पहला आप सीधा बुन लें और ये दो जो हैं इनको आप दो का एक करें। अब ये मार्कर उतार लें और ये जो बाकी 16 है ना ये वाले ये आप सारे इनको बुन लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। फिर ये स्लाइड कर लेंगे, इसको भी उतार दें आप, इसको भी उतार दें। अभी दो जो हैं इनको आप दो का एक करें, बीच वाला बन जाए एक और इसका भी दो का एक करें। ये मार्कर उतार दें आप, बाकी जो 16 है यहाँ आखिरी मार्कर तक इसको 16 बोल लें सीधा सीधा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मार्क उतार दें। फिर इन जितने अंदर इनमें दो पहले इनको दो का एक करें और ये आखिरी बुन जाए। हमारी डिटीज मुकम्मल हो गई हैं। तो अब आप ये जो रॉन्ग साइड है एक सिलाई करें सीधी सीधी, रॉन्ग साइड पूरी एक साइड ये करें। हम फ्रंट पे आते हैं, ये रॉन्ग साइड है, सारी जो रो है ये सीधी बुन जाए। और फ्रंट पे जाके हमने यानी राइट साइड पे जाके हमने बाइंड ऑफ करना है। इतना ईजीली देखें ये बूटी बन गई है। अब हम बाइंड ऑफ करने वाले हैं राइट साइड पे जाके। चलें जी हम राइट साइड पे आ गए, ये लें। अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। एक बुना, एक और बुना और इसको पीछे वाले को लूप को ऐसे उठा के इसके ऊपर से गुजारते हैं। फिर एक और बुने, इसको ऊपर से गुजार दें, इसको निकाल लें। फिर एक और बुने सीधा और इसको इसके ऊपर से गुजार दें। एक और बुने इसके ऊपर से गुजार दें। एक और बुने, इस तरह आपने इसको बाइंड ऑफ करते जाएं एंड तक। चलिए मैं बाइंड ऑफ करके दिखाती हूँ फिर आपको।
नहीं जी, ये माइंड ऑफ करती है, मैं आखिर तक आ गई हूँ, एंड पर पार्ट तक। एक गुना पिछले वाले को लूप को इसके ऊपर से यूं गुजारते हैं, फिर एक गुना फिर पीछे वाले लूप को ऐसे उठा के इसके ऊपर से यूं गुजारते हैं, एक गुना फिर पीछे वाले लूप को उठा के इसके ऊपर से यूं गुजारते हैं, एक गुना पीछे वाले लूप को इससे उठा के गुजारते हैं। चलेंगे, अब हम ये थोड़ा सा इसकी टेल, ये हमने सीना भी है इसको स्टिच करना है, तो हम ये काट देते हैं। ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब हम इसको सियेंगे। अब ये देखें, ये इसको हमने ऐसे पकड़ा और ये जो पहला जो है ये जो फंदा है, ये वाला पहला, ये जो है इसमें से नीडल को गुजारिए, फिर दोबारा गुजारिए ऐसे करके और एक नॉट दे लें। अच्छा, अब आगे यूं करके इनको ऐसे कर लें। अब आपको ये चेन से नज़र आ रही है, ये एक चेन है और ऑपोजिट ये भी चेन है। अब इनकी ये चेन जो है ना, इनमें से एक चेन में से अंदर नीडल डालें और दूसरी चेन में से निकाल लें ऐसे। दूसरी साइड पे, इस साइड इस साइड पे आ जाएं, ये दो चेन नज़र आ रही है, एक ये चेन, ये इसमें से आप डालें और इसमें से निकाल लें, इनको जोड़ दें आपस में। इसी तरह अब ये चेन नज़र आ रही है, ये देखें इसमें से निकालें, उसमें से डाल, क्योंकि चेन जब बनी हो बड़ा इजी होता है इसको सीना, इसमें से निकालिए, इसमें से डालिए और इसमें से निकाल लें। फिर इसमें देखें दो लूप नज़र आ रहे हैं, इनमें से डालिए और इसमें से निकाल लें, अब इसमें से डालें, इसमें से निकाल लें। ये देखें कितना नीट जो है वो बंद हो रहा है। चेन जो है हमने जब बंद किया तो चेन बनती चली गई है ना, जो हमने बाइंड ऑफ किया है तो चेन बनती चली गई है, तो इन दो चेनों को जो हमने आमने सामने रख के ऐसे देखें। ये चेन जो है आखिरी नज़र आगे बढ़ लूप है, इसमें डालिए, इसमें निकालिए और ये जो है अब निकली जाए, नीडल को नीचे ले जाएं और यहाँ पे एक नॉट डाल लगा दें ताकि ज़रा काम जो है वो पक्का हो जाए। अब धागे को इसमें से इस बार में से गुजार लें, यहाँ पे कट करते हैं। ये देखिए नीचे हमारा सोल सिल गया।
अब हमने यहाँ से सीना है, तो इसको खोलिए, ये धागा हमने इसीलिए रखा था। आगे थोड़ा सा इसको लेवल करें। ये देखें यहाँ पे, अब इसका निकालें आखिरी जो है, ये इसमें डालिए, दोबारा दोबारा इसको टाइट करके नॉट लगा लें। और इसका भी अब देखें आपने कैसे सीना है, ये दो उल्टे थे ना यहाँ पे, इसमें से ऐसे निकालें, ये देखें, और यहाँ से यहाँ से लेके जाएं नीडल को, यहाँ से निकालें, यहाँ लेके जाइए और यहाँ से निकाल लें। ये हम बाहर बाहर से सी रहे हैं, देखें अंदर से, हमने अंदर से नहीं सी रहे, बाहर से एक बच्चे को, ताकि अंदर सिलाई जो है उसको चुभे मत। और बाहर से भी बड़ा नीट भी बंद हो रहा है। देखिए फिर अंदर यहाँ से लेके गए, यहाँ से निकाल लिया, इस साइड पे आ गए, लूंगे इस साइड से डाल लिया, और ये इस आ गया। ये हमने जो पार्ट था इसका, रिब्स वाला ये बंद हो गया। अब ये जो पार्ट है ये देखें, ये तो बहुत ईजी है बंद करना। ये देखें आपको ये रिजेस नज़र आ रही हैं, ये 1 2 3, इसके जो किनारे बने हुए, इसमें एक आपको ये नॉट सी नज़र आती है, इस नॉट में ये अपनी नीडल गुजारें, और इसी तरह ऑपोजिट भी नॉट है, ये देखें, इसको भी आप इसमें से गुजार लें नीडल। अब ये नॉट नज़र आ रही है, इसमें से गुजार लें, इस साइड पे आए तो आपको ये नज़र आएगी, देखेंगे ये इसमें से गुजार लें। अब उस साइड पे जाएं आप तो आपको ये नज़र आएगी, इसमें से गुजार लें, इस साइड पे आए तो आपको ये नज़र आएगी। इस तरह मैच करते हुए आप बनाते चले जाएं। ये बंद हो गया, ये आखिरी रिज रह गई है, इसको बंद कर लें और सुई को नीचे ले जाएं, नीचे नॉट लगाएं। ये देखें बूटी तैयार है। देखिए बूटी तैयार है। अब हमने इसकी जो लेसेस हैं ये बनानी है, तो ये हमने दो फंदे डाले थे, और दो फंदों को हमने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया था। ये देखें मैं आपको बना के दिखाती हूँ, थोड़ा सा इनको इस लेफ्ट वाली इस पे उतार लें, धागा हमारा पीछे है, तो ये देखें धागा फ्रंट पे लाकर इन इसको सीधा बुन लें, इस फंदे को, दो फंदों को सीधा बुन लें। ये मेरी 10 नंबर सिलाई हैं। फिर इसको, इन दोनों को, फंदों को आप लेफ्ट नीडल पे ले लें, ये देखें इनको फिर सीधा बुन लें, अब धागा पीछे गया, इनको सीधा बुन लें। फिर देखिए दोबारा इनको मैं लेफ्ट नीडल पे ले लूँगी, दोनों फंदों को, ये देखें ऐसे, अब इनको आप बुन लें, एक दोनों को सीधा बुन लें दोबारा। इस तरह ये आई कॉर्ड सी बनती जाएगी, ये देखें बहुत प्रिटी लगती है। अब इसको मैं
ये अपनी लंबाई जो है इसकी 15 इंचेस पूरी हो गई है इसके बराबर। ये जो मैं ये बनाया आई कॉर्ड इसका डोरी, तो अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। ये देखिए धागा पीछे ही है, तो इनको इसको बुना पहले को, दूसरे को बुना और पीछे वाले को आगे उतार के ऊपर वाले से उतार लें ऐसे जिस हम बंद करते हैं। थोड़ा सा धागा रख के इसको काट लें, इसको बंद कर लें और इसको ये जो धागा है इसको अब हमने अंदर इसमें इंसर्ट करना है। बाजू का डिफिकल्ट हो जाता है। टेपेस्ट्री नीडल ज़रा बड़ी वाली ले लेते हैं, देखें ये देखें इसमें से आप ये देखें इसमें से इसको पार करें, फिर यूँ ले के जाएँ, फिर यूँ ले के आएँ, फिर यूँ ले के जाएँ, आर पार उस नीडल को करें। एक दफ़ा और कर लें, अब थोड़ा सा इसको बाहर खींच के धागे को काटते हैं। और इसको खींच लें ऐसे सीधा, अगर कोई पोर्शन बाहर नज़र आ रहा है तो कट कट कर दें। ये देखें इसी तरह इधर जाइए, इसको टेपेस्ट्री नेटल में डालें धागे को, और इसमें से भी आर पार करें। अभी सुन रहे खींच लें, दोबारा घुमा के एक दफा कर लें ऐसे, और यहां से भी थोड़ा सा खींच के धागे को आप काट लें। लेकिन आई कॉर्ड तैयार है, डोरी तैयार है, इसको डालिए इसमें से फ्रंट साइड पे, ऐसी डल जाएगी ये, अंदर लेके जाइए बाहर लेके आइए।
फिर मुझे लास्ट हॉल में से हमने काय लगे हैं, ये फ्रंट का हॉल है, ये देखें। अब इसके हमने नॉट बांधे हुए थे, छोटी नॉट्स लगा देते हैं। इस तरह यहाँ में भी लगा दें। मेहंदी बूटी तैयार है, ये देखें कितनी प्रीटी लग रही है।